और पानी की कमी के बीच आरोपों के बीच कौन सही है कौन गलत है ये भी आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जब आरोप लगाए जा रहे हैं तो किसका पलड़ा भारी है और कौन सही कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली के हक का पानी है 613 MGD। मैंने पहले भी बताया MGD का मतलब है मिलियन गैलन पर डे, यानी दिल्ली को हकीकत में 613 मिलियन गैलन पर डे पानी मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार दिल्ली का हक 719 क्यूसेक पानी वो मार रही है। वो ये कह रहे हैं हमको पानी नहीं दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा में 513 हरियाणा जो है 513 MGD पानी दे रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा हमको 513 MGD यानी 513 मिलियन गैलन पर डे हर दिन के हिसाब से पानी हमको हरियाणा इतना दे रहा है। हरियाणा सरकार कह रही है कि 1049 क्यूसेक पानी हम इनको दे रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि कमी है 120 MGD की, हमको अभी 120 MGD पानी की और जरूरत है, लेकिन हरियाणा हमको नहीं दे रहा है। हरियाणा सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार का आरोप पूरी तरह से गलत है। वहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि 28 लाख लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कैसे प्रभावित हो रहे हैं ये आपको आगे बताऊंगी मैं, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार का आरोप वही बात कि दिल्ली सरकार का आरोप गलत है, हमको जबरदस्ती इस पूरे मामले में खींचा जा रहा है, हम तो दिल्ली के लोगों की मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, पानी बेच रहे हैं, इसीलिए ये अपना फायदा देख रहे हैं। सुनिए जरा कैसे आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर। धरनों से पानी नहीं आता, ये धरने में जो टाइम खराब कर रही हैं, इस समय को अपने दिल्ली का आंतरिक प्रबंधन है उसको ठीक करने में लगाएं, थोड़ी मेहनत करें। उनकी आंतरिक समस्या है, उस समस्या को वो कैसे सुलझाते हैं ये उन पर निर्भर करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम 1049 क्यूसिक पानी लगातार दे रहे हैं और 924 क्यूसिक पानी का हमें देने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कहा था कि 224 क्यूसिक बवाना जो उनका कॉन्टेक्ट पॉइंट है उस पर देना था, तो हम उसकी जगह 1049 क्यूसिक पानी दे रहे हैं, जबकि उसमें पानी उनका 1011 क्यूसिक के लगभग पड़ता है। और कोमल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कोमल, मतलब हकीकत ये है कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमको जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी हरियाणा से नहीं मिल रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है भाई हम तो पानी दे रहे हैं, आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आपकी खुद की है, आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं अपने लोगों को और दिल्ली के लोग पिस रहे हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए अगर 1994 में जो दिल्ली हरियाणा जल समझौता हुआ था अगर हम उस पर गौर करें तो देखिए हरियाणा को दिल्ली को 920 MGD पानी देना था, लेकिन अब हरियाणा ये दावा कर रही है कि वो उससे ज़्यादा पानी दे रही है और हरियाणा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से कि 1050 MGD पानी हरियाणा सरकार दिल्ली को मुहैया करवा रही है, और कहीं ना कहीं देखिए टैंकर माफियों की मिली भगत और आम आदमी की मिली भगत है जिसकी वजह से दिल्ली वाले को पानी नहीं मिल पा रहा और हरियाणा की तरफ से कोई पानी में कोताही नहीं की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह से ये पूरा मुद्दा बना रही है और हरियाणा पे जबरदस्ती का आरोप लगा रही है। इस बीच देखिए अगर हम लोगों से भी बात करें तो लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर टैंकर से पानी मंगवाना होता और जेब से पैसे खर्च करने होते तब पानी की समस्या नहीं होती है, तब पानी की किल्लत नहीं होती है। अगर 3000 रुपये आप खर्च करने को तैयार हैं तो मात्र 5 से 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर आपके घर पर पहुंच जाएगा, लेकिन यही अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप दिल्ली सरकार पर कहीं ना कहीं आस लगा करके बैठे हैं तो वो पानी नहीं मिल पाता है। और जो तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का गला सूख रहा है, लोगों को पानी पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में अगर दिल्ली सरकार के भरोसे बैठते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है, वही जेब से पैसे खर्च करते हैं तो पानी मिल जाता है। यानी देखिए कहीं ना कहीं ये मिली भगत है और लोगों की ये जो बातें हैं वो इस चीज़ को उजागर कर रही है कि दिल्ली में टैंकर माफियों की वजह से और कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो मिली हुई है उसकी वजह से आम जनता को जो पानी मिलना चाहिए था उसमें भी उन्हें अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और दोगुना पैसे देने पड़ रहे हैं। जी तो कोमल ये बता रही थी कि किस तरह से हरियाणा सरकार अपने दावे कर रही है और दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं। वहीं दूसरी ओर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी लोगों पर किया गया है।
कोमल हम वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली में आखिर पानी आ कहां कहां से रहा है, ये आपको बता रहे हैं कहां कहां से दिल्ली में पानी सप्लाई होता है। यमुना से 41% पानी दिल्ली के लोगों को मिलता है, लोगों की प्यास बुझती है जिससे। वहीं अपर गंगा कैनाल से 27% पानी दिल्ली में सप्लाई होता है और दावा यही है कि दिल्ली में सबसे बड़े जल आपूर्ति का जो सोर्स है वो यमुना नदी है और यमुना नदी में पानी हथनी कुंड बैराज से आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। वहीं तीसरा बड़ा स्रोत जो है वो ये है भाखड़ा स्टोरेज जो 24% पानी देता है और जो ग्राउंड वाटर है दिल्ली का वो 9% है। इस तरह से दिल्ली के लोगों की प्यास भी बुझती है और दिल्ली की रोजमर्रा की जो जरूरत है पानी की वो पूरी होती है। लेकिन क्योंकि 41% पानी जो कि 41% पानी जो कि यमुना से मिलता है, कैसे हरियाणा से जो पानी आता है उस पर सियासत हो रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा है, इसीलिए पानी की किल्लत है दिल्ली में। अब कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी को इस पर घेर रहे हैं। बीजेपी तो सड़कों पर है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस सियासत कैसे कर रही है वो भी सुन लीजिए। जहाँ तक उनका धरने पे बैठने का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बीमार पड़ा है और डॉक्टर धरने पे बैठ गया। धरने पे बैठने से क्या होगा आपका? आप भारत सरकार से बात कीजिए, जो समस्या उसका समाधान कीजिए। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता से ना भारत सरकार का कुछ लेना देना है ना दिल्ली सरकार का, दोनों के दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर मंत्री ही धरने पे बैठेंगे तो सरकार कौन चलाएगा? मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, उप मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, कुछ उनके और मंत्री तिहाड़ जेल में है, और जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की जो मंत्री हैं दिल्ली में वो धरने पे हैं। तो दिल्ली को तो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया। इनके खुद के विधायकों पे आरोप लग रहे हैं टैंकर माफियाओं के साथ 50-55 लाख रुपए लेने के, तो दिल्ली की व्यवस्था को संभालेगा कौन? और दिल्ली में पानी का संकट क्यों बना हुआ है ये भी आपको बता देती हूँ। पानी का रोजाना उत्पादन है 3.7 से 3.8 अरब लीटर, ये डेली का उत्पादन है दिल्ली में पानी का, लेकिन दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है। गर्मी में रोजाना जरूरत होती है करीब 5 अरब लीटर की, यानी जरूरत से कम है पानी दिल्ली में गर्मी में, इसीलिए पानी की किल्लत से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसीलिए दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है। और दिल्ली के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे, हमसे जो बातें कही गई थी वो पूरी नहीं हो रही हैं।